तो दोस्तों, आज का फिर से मैं एक वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को मैं ये जानकारी देने के लिए आया हूं, जो कि बहुत सारे भाई क्या करते हैं, वॉम्स मैचिंग नहीं करते हैं, इसके चक्कर से एम्पलीफायर बार बार ख़राब होता है। मैं इसमें दिखाता हूं आप लोग को ये किस तरह से लगाया है, इसी तरह से बार बार एम्पलीफायर ख़राब होता है। इस पर जो बॉक्स चल रहा है, 6 स्पीकर चल रहा है और 3 ट्यूटर चल रहा है, और 1000 वाट का एम्पलीफायर पे, जिस पे ये ओम्स मैचिंग करके नहीं लगाया है और 4 ओम्स में लगा दिया है। बहुत सारे यही गलती करते हैं, जो आवाज़ ज़्यादा लेने के चक्कर में 4 ओम्स पे लगा देते हैं, तो इसी के चक्कर से एम्पलीफायर बार बार ख़राब होता है। और हॉर्न का भी कनेक्शन गलत किया है, जो कि 12-14 हॉर्न चला रहा है 500 वाट के एम्पलीफायर पे और 70 वोल्ट पे लगाया है, तो आवाज़ उतना बेहतरीन इसका नहीं दे रहा है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग देखते रहिए। ये 8 जाम का सिस्टम है और देख सकते हैं किस तरह से है। मैं आवाज़ भी आप लोग को दिखाऊंगा किस तरह से निकल रहा है, और हॉर्न भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या लगा हुआ। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ एम्पलीफायर के नज़दीक जा कर के, और वहाँ पे आप लोग देखिए किस तरह से सिस्टम किया गया है और कितने ओम्स पे किस तरह लगाया है। तो आप लोग को भी इस तरह गलती नहीं करना है। देख सकते हैं ये बॉक्स आपको 3 चल रहा है 1 एम्पलीफायर पे। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये जो देख रहे हैं 1000 वाट का एम्पलीफायर पंखे वाले, जो देख सकते हैं आप लोग 4 ओम्स पे इसको यूज किया गया है, देख सकते हैं। मैं नज़दीक थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए, ये 4 ओम्स पे देखिए ये लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, देखिए 4 ओम्स पे लगा हुआ है। अब मैं हॉर्न का दिखाता हूँ, देखिए हॉर्न का ये 70 वोल्ट पे यूज किया गया, देख सकते हैं कॉम और 70 वोल्ट पे। इसमें आप लोगों को नहीं लगाना है, इसी यही गलती करते हैं, तब आप लोग को अच्छा क्वालिटी नहीं ले पाते हैं। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है, ओम्स मैचिंग करके लगाएं, इसको 2 ओम्स पे लगाना चाहिए, तब इसका एम्पलीफायर भी हिट नहीं होगा और बेहतरीन चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए जानकारी। Thank you.